जावेद अख्तर को मिला थाने कोर्ट का नोटिस, अमानजनक टिप्पणी, शर्मनाक काम, जानिए डिटेल्स। जी हां, गीतकार जावेद अख्तर को मंगलवार 28 सितंबर 2021 को कोर्ट से झटका लगा है। थाने के एक कोर्ट ने जावेद अख्तर को नोटिस जारी किया। ये नोटिस एक रुपए के महाहानि के दावे पर भेजा गया है। जावेद अख्तर ने अपने एक बयान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की तुलना तालिबान से की थी। इसके बाद थाने के कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। जावेद अख्तर पर यह मुकदमा RSS के एक एक्टिविस्ट विवेचक चंप ने करने किया है। उन्होंने इस मानहानि के दावे में जावेद अख्तर से केवल एक रुपया हर्जाना मांगा है। कोर्ट ने 12 नवंबर को वापस करने योग्य नोटिस जारी करने का आदेश दिया। जावेद अख्तर ने एक महीने पहले एक न्यूज चैनल पर कहा था, तालिबान एक इस्लामिक देश चाहते हैं, ये लोग यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हालांकि इस बयान में जावेद अख्तर ने कहीं भी RSS का नाम नहीं लिया था। शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील आदित्य मिश्रा ने कोर्ट में दलील दी है कि जावेद अख्तर ने RSS पर अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अख्तर ने बर्बर तालिबान की तुलना हिंदुओं की भलाई के लिए काम कर रहे संगठन से की है, तो इसे बदनाम करना है। शिकायतकर्ता ने कहा कि जावेद अख्तर आम लोगों की नजरों में RSS की छवि को खराब करना चाहते हैं।